सानू कहंदी किले दे झांजर नहीं ते मर जाना, सानू कहंदी केले दे चूड़ी नहीं ते मर जाना। सो दोस्तों, मैं तरुण राजपूत, हंसते रहो मुस्कुराते रहो, आपकी जिंदगी में ना आए कोई गम, क्योंकि आप देख रहे हो मूवी रिव्यू ऑल इन वन। सो फाइनली गाइज, इंतजार की घड़ियां हुई खत्म, तो आ चुका है सॉन्ग जलसा 2.0 मिशन रानीगंज से, जिसमें है अक्षय कुमार एंड परिणीति चोपड़ा। कि जैसे इनके गाने इतने हिट हुए थे केसरी मूवी के, यार क्या बताएं। तो उस पे हम तो चलिए, वो हिट ही थे, सभी सॉन्ग हिट थे केसरी के, नो डाउट। बट इधर मिशन रानीगंज का जो सॉन्ग है सतिंदर सरताज का, उस पे हम करने जा रहे हैं रिएक्शन। तो हमारे से सब्र नहीं हो रहा है, हम देखने वाले हैं वो सॉन्ग, तो आप लोग भी देखिए मेरे साथ और उस पे करते एक रिएक्शन, फिर देखते हैं कैसा सॉन्ग है। चलिए लेट्स स्टार्ट। यार भाई लुक देखी है, लुक कितनी जबरदस्त क्लियर लग रही है। भाई भंगड़ा पाने को दिल कर रहा है भाई। भाई जबरदस्त है, बहुत अच्छे लिरिक्स है। ये सर बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बात है भाई, बैठ गई बैठ गई, चलो जी। ओ भाई, दिस इज टू मच, दिस इज अंगेजिंग। क्या बात है यार, दिल नहीं कर रहा था गाना छोड़ने को, लिटरली गाए, सच में कह रहा हूँ। सतिंदर सरताज ने रंग बांध दिए। कल ही जैसे हमने आपको बताया था, इसका ऑडियो रिव्यू किया था, जिनके कल ऑडियो रिलीज किया गया था सतिंदर सरताज के ऑफिशियल पेज पर। और आज दोस्तों फाइनली 7 बजे शाम को इन्होंने गाना लॉन्च किया है मिशन रानीगंज पूजा एंटरटेनमेंट पर। और गाइस, इसको क्रेडिट हम पूजा एंटरटेनमेंट पे किया था, देख लूँ चेक कर लूँ। तो जी हाँ दोस्तों, पूजा एंटरटेनमेंट पर ही ये किया गया था, इसका जे जस्ट म्यूज़िक पर है दोस्तों, तो हमने उस पर देखा है।
तो गाना बहुत दोस्तों बेहतरीन है, भांगड़ा सॉन्ग है और चार चांद लगा दिए दोस्तों इस गाने ने। आपको कितना का नाचने मजबूर कर रहा था, और ब्याह शादी में दोस्तों बहुत बजने वाला ये गाना, और मैं दावे के साथ कहने वाला हूँ दोस्तों ये मूवी 200 करोड़ तक तो जरूर जाएगी दोस्तों, 150 करोड़ तो क्रॉस करना ही करना है इसको किसी भी हालत में। और गाइस सच में कह रहा हूँ, अक्षय की परफॉर्मेंस थी ना वो नंबर वन थी, और परिणीति चोपड़ा दोस्तों क्या लग रही है कि पूरी प्योर पंजाबन लग रही है, और अक्षय प्योर पंजाबी लग रहे हैं। और ये बात अलग है, कुछ दोस्त हमारे कहते हैं यार जो बियर्ड रखी है वो नकली लग रही है, ऑफिशियल लग रही है, बट मेरे अकॉर्डिंग देखा जाए तो मेकअप मैन ने बहुत अच्छा काम किया है, उसमें पता ही नहीं चल रहा है असली रखी बियर्ड के नकली है। पर अक्षय का मानना ये भी है कि वो कहते हैं कि अगर मैं असली उगाने पर आऊँ तो कम से कम 6-7 महीने चल जाएंगे, उसमें वो कम से कम अपनी 3-4 मूवीज कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों बियर्ड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं जाने कि इसमें होती, आपने लाल सिंह चड्ढा में देख लिया है, आमिर खान ने बहुत 3 साल की मेहनत दी थी। तो पब्लिक किससे प्यार करती है, कॉन्टेंट से। हमें मैसेज देने वाली फिल्म किसी तरह भी हम दे सकते हैं दोस्तों उसको, बट मेरे हिसाब से अक्षय ने किया है जो भी बढ़िया किया है, आउटस्टैंडिंग किया है, लाजवाब किया है। मेरी तरफ से अब भी इस गाने को 5 में से आउट ऑफ पूरे 5 स्टार है। आप अपना टेक बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ करके जाइएगा। सो थैंक यू दोस्तों, टिल देन बाय बाय।